कि हम अध्ययन कर रहे थे जो हेट्रोडाइटमोलिकुलर विश्व नाभिकीय द्विपरमाणु अणु, इसमें पहला CO का हमने अध्ययन किया था, जिसमें नाभिक अलग अलग होते हैं दोनों ही परमाणु के जो अणु बनाते हैं। इसी संदर्भ में हम दूसरा हमारे सिलेबस में है वो NO अणु है, NO मॉलिक्यूल्स। तो NO मॉलिक्यूल का यहाँ हम अध्ययन करेंगे। तो NO मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका मतलब ये है कि नाभिक के आवेश ऑक्सीजन के पास में ज़्यादा होगा, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो हो ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक होगा, और इस पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो आंशिक आयनिक होगा। तो इस NO अणु के लिए ऊर्जा आरेख स्तर जो हम देख रहे हैं उसमें हम पाएंगे कि सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं परमाणु का, उसके बाद में हम अणु का देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, यानी कि इसके आंतरिक कक्षक 1s में तो दो इलेक्ट्रॉन है, और जो संयोजकता कोष है बाह्य कक्षक है उसमें 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार जैसे हमने CO में देखा था, उसी प्रकार ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, यानी कि इसके जो संयोजकता का उसमें होते हैं दो इलेक्ट्रॉन 2s में होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 2p में होते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके संयोजकता कोष में। तो कुल मिला के दोनों के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5+6 यानी कि 11, दोनों के तत्वों के संयोजकता कोष में कुल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। इस प्रकार जब इसका एक इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी अणु कक्षक में होता है, जिससे अयमित इलेक्ट्रॉन होने के कारण NO अणु अनुचुंबकीय होगा, ये हम अभी देखते हैं इसमें। यहाँ हमने डायग्राम देख रहे हैं, एक सीधी रेखा ऊपर दिखा रखी है, ये इसकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को शो कर रही है। फिर नाइट्रोजन के अणु का एटॉमिक ऑर्बिटल्स परमाणु कक्षक, दूसरी तरफ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊपरी ऊपर लिखा हुआ है, नीचे एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी परमाणु कक्षक ऑक्सीजन के, एक साइड में है नाइट्रोजन के परमाणु कक्षक, एक साइड में है ऑक्सीजन परमाणु कक्षक। यहाँ देख रहे हैं हम नाइट्रोजन परमाणु कक्षक को देखें तो सबसे लोअर एनर्जी में 1s में दो इलेक्ट्रॉन हैं, फिर उससे हायर एनर्जी में 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ऊपर देखते हैं तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1s इसका आंतरिक कक्षक होता है, तो 2s और 2p कक्षक जो संयोजक कोष हैं वो अतिव्यापन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु कक्षक में सबसे लोअर एनर्जी का जो अंदर होता है, कम एनर्जी का, वो 1s होता है आंतरिक कक्षक, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के पास में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 2p है उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से 2px के पास में 2, 2py के पास में 1, 2pz के पास में 1। अब जो 1s है दोनों के ही, ये आंतरिक कक्षक के किस सेल में चले जाते हैं इनका, लेकिन 2s नाइट्रोजन, 2s ऑक्सीजन, ये दोनों अतिव्यापन करते हैं तो ये MO जो NO का है वो बनाते हैं, सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें हम जानते हैं कि चाहे आणविक कक्षक हो या परमाणु कक्षक हो, एक कक्षक में मैक्सिमम या अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यह हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है 4, दो नाइट्रोजन से और दो ऑक्सीजन से, तो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s बॉन्डिंग में भरे जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन फिर बचे हुए सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं 2p कक्षक को अतिव्यापन। 2p कक्षक को अतिव्यापन में हमने देखा कि थोड़ा सा इसकी एनर्जी में डिफरेंस है, नाइट्रोजन के 2p के थोड़े से हायर एनर्जी में है, ऑक्सीजन के थोड़े लोअर हैं, तो ये इनके आयनिक गुण को दर्शाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो नाभिकीय आवेश है वो अधिक होता है, तो बंधित परमाणु इसके ज़्यादा नज़दीक होंगे बजाय नाइट्रोजन के। तो यह हम देखते हैं कि अतिव्यापन से इनमें जो बनने वाले MO है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं या आणविक कक्षक हैं, वो हैं सबसे लोअर एनर्जी बनता है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर बनते हैं पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, दोनों समान एनर्जी के होते हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेक एक दिखा नहीं रखा है, इसमें एक ऑर्बिटल्स
जो खाली है वो मिस्टेक से आया नहीं इसमें, तो यहाँ दो ऑर्बिटल्स हैं या टोटल जो 2px है वो मिसप्रिंट से आया नहीं है, 2py है, तो यहाँ पर टोटल दो कक्षक हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। फिर हम देखते हैं आगे, तो एंटी बॉन्डिंग में पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी, ये भी दोनों समान एनर्जी करते हैं, इससे हायर एनर्जी होता है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो अब इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं तो तीन हैं 2p में नाइट्रोजन के में और चार हैं 2p ऑक्सीजन के में, तो टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में, दो इलेक्ट्रॉन आ गए 2px बॉन्डिंग में, दो आ गए पाई 2py बॉन्डिंग में। यहाँ पर पाई 2px में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शो नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे हैं, यहाँ होते हैं यहाँ पे, जैसा कि पाई 2py में उसी तरह से पाई 2px का भी ऐसा ही एक ऑर्बिटस बनेगा, उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि दो दो चार छः हो गए इसमें बॉन्डिंग में। फिर जो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार इसमें सभी में मिला के हम देखते हैं तो टोटल एक इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है यहाँ पे, यानी एगमिट इलेक्ट्रॉन है एक इसमें एंटी बॉन्डिंग में। तो एगमिट इलेक्ट्रॉन होने का मतलब सबसे पहला है इसका चुंबकीय व्यवहार हम देखेंगे तो ये अनुचुंबकीय होना चाहिए, और जैसे रियल में इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अनुचुंबकीय ही पाया जाता है। तो कहने मतलब ये है कि इसका एमओ डायग्राम यही होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि एनओ अणु में एन व नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के मध्य तीन बंध बनते हैं जिनमें से एक सिग्मा बंद एवं दो पाई बंद होते हैं। एक एगमित इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी अणु कक्षक होने के कारण बंध क्रम घट करके 2.5 रह जाता है इसका, ये स्थायित्व भी घटाता है, इसकी बंधन ऊर्जा 1.149 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब हम यहाँ देखते हैं एनओ प्लस आयन, एनओ प्लस आयन का मतलब जब वो उसमें देखा तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला हमने, तो बॉन्ड ऑर्डर में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे, 6 और 2 8 8 माइनस 3 यानी 5/2, तो टोटल आ रहा था 2.5, बॉन्ड ऑर्डर उसका 2.5 है। तो दो जो बंद बन रहे हैं उसमें वो दो इलेक्ट्रॉन कारण बन रहे हैं, लेकिन तीसरा जो बंद बन रहा है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर और बंद ऊर्जा कम हो जाती है। अब इस प्रकार हम एनओ प्लस को देखते हैं, एनओ आयन्स का देखते हैं, तो एनओ प्लस आयन सेम एन टू का आइसो इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इसका बंद ऑर्डर बंद क्रम ये सब बढ़ जाएंगे। एनओ अणु में से एक इलेक्ट्रॉन के पृथक होने पर एनओ प्लस आयन प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। एनओ प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं ऊर्जा स्तर आरेख सीओ अणु के समान ही होगा। एनओ प्लस में विपरीत बंदी अणु रिक्त होने के कारण इसका स्तर एनओ अणु की अपेक्षा अधिक होगा, यानी कि जो एनओ प्लस आयन है उसका या तो सीओ मान लो या एन टू मान लो, इसकी तरह का ही इनका होगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो विपरीत बंधी कक्षक से निकल रहा है, तो इस कारण से इसका बंद क्रम भी 3 हो जाएगा, टोटल 8 - 2/2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो 8 - 2/2 = 3। और इसकी जो बंद ऊर्जा है एनओ प्लस एनओ आयन की ये 251 किलो कैलोरी प्रमोल होती है। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इस कारण से इसका व्यवहार प्रतिचुंबकीय होता है। हमने देखा था कि एनओ तो एनओ था अणु वो अनुचुंबकीय है, लेकिन इसमें कोई भी अयुग्मित नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता एनओ प्लस में, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधे में था वो निकल जाता है, इस कारण से इसका जो आवेश है या चुंबकीय गुण है वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है, कोई भी नहीं। फिर हम इसका दूसरा आयन देखते हैं एनओ माइनस आयन्स, एनओ एनओ अणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर एनओ माइनस आयन प्राप्त होता है, तो जुड़ेगा तो उसमें सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, यानी इसके लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाई 2py एंटी बॉन्डिंग अणु में जाता है, इस प्रकार बंद क्रम घट जाता है और दो हो जाता है तथा बंद ऊर्जा घटती है, बंद लंबाई बढ़ जाती है, आयन एनओ माइनस आयन का स्थायित्व भी घटता है क्योंकि विपरीत बंद ही अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इस प्रकार इनका स्थायित्व का जो क्रम होगा ना, जैसे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा एनओ का
प्लस का है 3, एनओ का 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, और एनओ माइनस का 2 रह जाता है क्योंकि एंटीबॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 8 - 4/2 = 2, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व अधिक होगा, तो एनओ प्लस ज़्यादा स्थायी होता है, उससे कम एनओ और उससे एनओ माइनस। एनओ माइनस में अयमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होने के कारण इसका अनुचुंबकीय गुण एनओ की अपेक्षा अधिक स्थायित्व को प्रदान करता है। धन्यवाद।